नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पाकिस्तान बदहाली के उस दौर से गुजर रहा है कि कोई भी उसकी हालत देखकर उस पर तरस खा जाए, लेकिन कोई उस पर तरस नहीं खा सकता क्योंकि उसने करतूतें ही ऐसी की हैं। आतंकवाद रोटी नहीं देता, ये तो शायद उसे समझ आ गया है। इसलिए तो वो कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है कि कोई तो उसे भीख दे दे, लेकिन अब भीख मांग कर भी वो थक चुका है और उसे अब और भीख मांगने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पूरा माजरा क्या है, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की आखिरी सांसें चल रही हैं। पाकिस्तान अब अपने इंपोर्ट का पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान पैसा बचाने के लिए रात में मार्केट बंद करा दे रहा है ताकि बिजली कम खर्च हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने से ये पता चल रहा है कि हाल ही में अपनी यूएई यात्रा के दौरान भी उन्होंने कर्ज मांगा था। वैसे ये शहबाज की प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी यूएई की यात्रा थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि वो खैरात जरूर मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात खुद कबूल ली। शहबाज ने कहा कि उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मांगा है। बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं। इस वायरल वीडियो में शहबाज शरीफ ने आगे कहा, मैं दो दिन पहले यूएई से होकर आया हूं, वहां मैंने राष्ट्राध्यक्ष और मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। वो बड़ी ही मोहब्बत के साथ हमसे पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मैं अब उनसे और कर्ज नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने आखिरी वक्त फैसला लिया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे और कर्ज मांगू। तो मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमारी, आप तो सब जानते हैं, इसलिए हमें $1 अरब और दे दें। वैसे ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को जब भी पैसे की जरूरत होती है वो एक इस्लामिक राष्ट्र होने के नाम पर खाड़ी देशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई और भुखमरी ही नहीं है, बल्कि वहां पर बिजली भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक में 2-3 दिन से बिजली गुल है और बिजली बचाने के लिए वहां पर 8 बजे से सभी मार्केट बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के इस भीख मांगने वाले वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।